मोटरसाइकिल पर सवार मामा के साथ शादी में जा रहा भांजा हादसे का शिकार हो गया जिसमें पीछे से एक तेज रफ्तार टेम्पो ट्रैवलर ने बाइक में पीछे से टक्कर मारी और करीब 40 मीटर तक बोनट के नीचे फंसे भांजे को सड़क पर हुआ ले गया और युवक की मौत हो गई जिसके बाद ट्रैवलर का चालक वाहन छोड़कर मौके पर फरार हो गया जिसमें घटना में, में बाइक पर पीछे बैठे मामा बाल बाल बच गए बता दें मूल रूप से विष्णुपुरी कॉलोनी टनकपुर रोड निवासी दिवाकर भट्ट बीजपुर परगाई गाय में अपने नानी के घर रहता था वो बीए का छात्र था और नानी के घर रहकर पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहा था दिवाकर के मामा ने बताया कि बीते मंगलवार को गांव में एक शादी थी शादी में शामिल होने के लिए वो अपने भांजे दिवाकर के साथ निकले थे बाइक दिवाकर चला रहा था और जब दोनों चोरगरिया बाजार के पास टूटी चक्की मोड़ पर पहुंचे कि तभी मामा ने देखा कि पीछे से एक तेज रफ्तार टेम्पो ट्रैवल लगातार हॉर्न देते हुए अनियंत्रित तरीके से आ रहा था इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते ट्रैवलर ने पीछे से उन्हें टक्कर मार दी टक्कर से मामा उछलकर दूर गिर गए जबकि भांजा ट्रैवलर के आगे आ गया, गया। ट्रैवलर की बोनट में फंसे दिवाकर को ट्रैवल चालक करीब 40 मीटर तक खींचता हुआ ले गया चालक ने ट्रैवलर को रोका और चाबी निकालकर मौके से फरार हो गया जिसके बाद आनन फानन में 108 सौ एम्बुलेंस की मदद से घायल को अस्पताल भेजा गया लेकिन वहां उसकी मौत हो गई तो वहीं इस संबंध में चोरगलिया थाना अध्यक्ष राजेश कुमार जोशी ने बताया कि परिजनों की ओर से अभी तक तहरीर नहीं मिली है लेकिन टेम्पो ड्राइवर को जब्त कर चालक की तलाश की जा रही है